इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन्स का एक डेमो और वेरीफाई करेंगे कि फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन्स कितनी बढ़िया तरीके से फ्लूड या ब्लड को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे कि मेंसेस के दिनों में फीमेल्स को बहुत अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड हो सकता है। तो इस डेमो के लिए हम ले रहे हैं मार्केट का एक सैनिटरी नैपकिन और यह है हमारा फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन। दोनों नैपकिन्स में हम 50 ml रंगीन पानी डालेंगे और देखते हैं कि कौन सा नैपकिन ज्यादा अच्छे तरीके से फ्लूड को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो मैं एक सिरिंज ले रहा हूं और इसमें मैं भर रहा हूं तकरीबन 50 ml कलर्ड वाटर, रंगीन पानी, और सबसे पहले मैं मार्केट के सैनिटरी नैपकिन के ऊपर ये डालता हूं। सो आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं इसको डाल रहा हूं, इट टेक्स अ सेकेंड बिफोर इट गोज इनसाइड द नैपकिन, और अब इसकी एब्जॉर्प्शन बहुत स्लो हो चुकी है। आप देख रहे हैं कि पानी अब अंदर और नहीं जा रहा क्योंकि इसकी एब्जॉर्ब करने की लिमिट खत्म हो चुकी है। कितना अनकंफर्ट महसूस करती होंगी वो फीमेल्स मेंसेस के दिनों में जब वो कुछ ऐसे नैपकिन यूज करती हैं, ड्राइनेस मेंटेन नहीं हो सकती, और अगर ड्राइनेस मेंटेन नहीं है तो हाइजीन भी मेंटेन नहीं रहेगा। अब हम डालेंगे यही फ्लूड तकरीबन 50 ml मोदी केयर के फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन में, देखते हैं क्या फर्क होगा। मोदी केयर फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन में है 8 layers ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रोटेक्शन। ये बहुत आसानी से फ्लूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, ड्राइनेस मेंटेन रखता है। आप देख रहे हैं कि कितना इजिली ये सारा पानी इसके अंदर जा चुका है। इनफैक्ट 50 ml क्यों, थोड़ा सा और पानी डालते हैं, बिकॉज ये कोई आम नैपकिन नहीं है, ये है मोदी केयर का फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन। सो इसमें मैं 25-30 ml रंगीन पानी, इनफैक्ट मैंने 30 ml से भी ज्यादा रंगीन पानी और भरा है, और ये सारा मैं इसके ऊपर डाल देता हूं। तो मार्केट के कॉम्पिटिशन में तो हमने डाला सिर्फ 50 ml, लेकिन मोदी केयर फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन में हम डाल रहे हैं 80 ml कलर्ड वाटर। और इनफैक्ट एक और फर्क आप देखें कि हमने मार्केट के कॉम्पिटिशन नैपकिन में पहले डाला, इसके पास ज्यादा समय रहा फ्लूड को एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन में हमने पानी बाद में डाला, तो इसके पास बहुत कम समय रहा फ्लूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। लेकिन अब हम वेरीफाई करेंगे कि इनमें से किस नैपकिन की एब्जॉर्प्शन पावर ज्यादा है। तो ये देखने के लिए हम लेंगे 2 टिश्यू पेपर्स और ये टिश्यू पेपर्स हम इन नैपकिन्स के ऊपर रख देंगे और इक्वल फोर्स के साथ हम इसको प्रेस करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सो मैं इक्वल फोर्स दे रहा हूं दोनों नैपकिन्स के ऊपर, और आइए अब हम टिश्यू पेपर उठा के देखते हैं कि क्या फर्क है। जो मार्केट का सैनिटरी नैपकिन है उसके ऊपर टिश्यू पेपर एकदम गीला हो चुका है, बिल्कुल भी ड्राइनेस नहीं है, एकदम गीला है, जो ये दिखाता है कि मार्केट का सैनिटरी नैपकिन ने फ्लूड को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं किया। आप देख रहे हैं टिश्यू पेपर एकदम गीला है, इनफैक्ट मेरा हाथ भी एकदम गीला हो चुका है। लेकिन अगर हम देखें इस टिश्यू पेपर को जो हमने प्रेस किया था मोदी के फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन पे, वो एकदम सूखा है, एकदम ड्राई है, जो कि ये दिखाता है कि फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन ने कितने बढ़िया तरीके से 80 ml फ्लूड को एब्जॉर्ब किया। और अगर मैं इसके ऊपर अपना हाथ दोबारा प्रेस करूं तो कुछ भी पानी मेरे हाथ के ऊपर नहीं आ रहा। सो हैवी ब्लड लॉस के दिनों में भी फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया तरीके से करता है, फ्लूड की ड्राइनेस को मेंटेन रखता है और हाइजीन को मेंटेन रखता है। और मेरे हिसाब से फ्रीडम सैनिटरी नैपकिन को प्रमोट करना हम सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है।